हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हो चुकी है हमारे काम धंधों की भी। सुबह वाले काम धंधे तो अलग ही प्रीति करें, मुझे तो पूरा मौका दे रही है यहाँ पढ़ने का, क्योंकि नाश्ता बना के देवे, खाना बना के देवे, कपड़े धोए और यहाँ तक कि बच्चों को भी नहला दें। क्योंकि जब मैं घर रहूँ या मैं फ्री रहता हूँ तो बच्चों को तो मैं खुद भी नहला दूँ, लेकिन यहाँ तो बच्चों को प्रीति ही नहला देवे। रूपरेखा बना ली प्रीति ने काम की, क्या क्या करना है आज? दो दिन में एक बार कपड़े धोए, कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में भाई, और सर्फ रख दिया, पानी ले रही मशीन अपने आप ही, तो सर्फ के कपड़ों के वजन के हिसाब से टाइम और पानी लेकर मशीन तो शुरू हो जाएगी। इसमें तो खैर कपड़े धोने का कोई झंझट है ही नहीं, और कुछ कपड़े अलग रख रखे जिनको हाथ से धोने हैं, तो कपड़े तो खैर मशीन से धोते रहेंगे, मशीन धो ही रही है, वो तो डालने थे इसमें और सर्फ डालना। बाकी शुरुआत क्या क्या कर दी? सबसे पहले तो प्रीति सबसे पहले जाग गए, और हमारे भी जागने से, हमारे सबके जागने से पहले प्रीति अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दे। तो यहाँ तो टाइम मिल रहा प्रीति को एक्सरसाइज करने का, पूरा भरपूर टाइम। जब तक हम उठे ना तो काफ़ी देर तक प्रीति अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर ले, और उसके बाद नहा के पूजा करके, पूजा इधर करते हैं, मंदिर है भगवान जी का। मैं भी अभी भी नहाया, तो मैं भी खैर ये प्रभु कृपा बनाए रखना सब पर। तो ओके, पूजा करके प्रीति ने नाश्ता बनाया। सबसे पहले तो बिस्किट नमकीन वगैरह सब ला कर रख रखे पहले ही, एक बार ही थोक में ले आए थे, तो प्रीति को खाली चाय बनानी है। गुड़ की चाय पी रहे हैं हम, गुड़ भी हमने घर से ला रखा है। चीनी तो उस दिन से बंद ही है, उस दिन से यहाँ आए, थोड़ी सी चीनी लाया था जो की रखी उस दिन की, कोई आ जाए गेस्ट तो उसके लिए चीनी की चाय। जैसे एक दिन प्रोफेसर साहब आए थे तो उनको चाय पिलाई थी चीनी की, नहीं तो हम सब गुड़ की चाय पीते हैं। तो सबसे पहले गुड़ की चाय बना दी, और बच्चों ने भी ली, तो मैंने प्रीति ने बच्चों ने नाश्ता करा सबसे पहले। तो क्या बनाए? मुर्गे बना दिए, पढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने। तो नाश्ता करने के बाद ना प्रीति ने बच्चों को नहला दिया मम्मी को, और नहला के बैठा दिया ने। सुबह सुबह एक घंटा दो घंटा पढ़ने की लिखने की प्रैक्टिस करें ये दोनों बच्चे। एक घंटा सुबह एक घंटा शाम, स्कूल जितना तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो करवा ही देना, तो पढ़ी ले। हाँ जी मैम, इनकी मैडम नु कहे बच्चों घर से काम करके लाइयो, फिर हम नु कह दें हाँ जी मैडम। इसके स्कूल की बात याद है? तो भैया देखो आरुषि, तो देखो बेटा कैसे लिख रही आरुषि, राइटिंग कर रही है अपनी किताब में, देख देख के किताब ला रखी, इसकी कॉपी यहीं से ला के दे दी थी दोनों को। नई वाली कॉपी ले रहे आज आप? एक तो इसके पास पुरानी कॉपी थी, बहुत मोटी कॉपी है उसमें लिखती रहे, लेकिन आज इसने नई कॉपी ले ली, और यही है इसके तो, लाइन खींचनी, डंडे खींचने, गोले खींचने, इन्हें ही कह रहे हैं कुछ। देखो पापा आपका नाम लिख दिया मैंने कुछ। इसके बड़े पापा क्या कह रहे थे जब भी वीडियो कॉल कर रहे थे, ऐसे ही कॉपी और पेंसिल लिए बैठी रहे। कई बार ऐसा हुआ सुनील भैया की कॉल आई तो इस टाइम में आवे और ये कॉपी लिए बैठी रहे। तो कल क्या बोलते हैं, बोले कि नंदकोट से संविधान संविधान लिख रही क्या, कॉपी पेंसिल लिए बैठी है। इतनी मोटी कॉपी इसे दे रखी थी, और जिस दिन भी कॉल आवे तभी लिखती हुई मिले, तो भैया को लगा कि ऐसा कौन सा संविधान लिख रही है तू, जो जब भी फोन करूं लिखती मिले। अभी तो वह इतनी मोटी है जिसमें लिखती रहे, देखो इतनी मोटी कॉपी है यार। और उसी ने दे रखी थी सही है, ए बी सी डी, इन पर पेंसिल फिराओ जाया है, बिंदु बिंदु दे रखे थे और उन पर पेंसिल आप फिरा दो, तो बिंदु बिंदु दे रखे थे ऐसे, और उस पर पेंसिल फिरा दे, जब लिखते लिखते थक ले तो ऐसे लाइन से भी खींचनी शुरू कर दे। नहीं बता दे कुछ लिख रही मैं तो। चुन्नी से साड़ी बांध ले, फिर आप कहो मेरे भी बांध दो साड़ी है। पहले तो पढ़े हैं ये, फिर दोनों खेल ले, कौन सा खेल खेल ले, अपनी मम्मी की दुपट्टे से चुंदरी से साड़ी पहन पहन के खेल ले। फ्रेंड्स नाश्ता करा के नुहा के बच्चों को तो पढ़ने बैठा दिया, हमें तो पढ़ रहे हैं, और प्रीति ना मैं बता रहा था आगे के काम की रूपरेखा बना ली, कुछ तो कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, और बाकी कुछ कपड़े हैं हाथ से धोने के, इन्हें हाथ से धो लगी। मैं बैठ के अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा, तब तक एक घंटा दो घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद दोपहर का खाना बना। क्या बनोगे आज? चने की दाल। तब तक आप तीनों को पढ़ना है। हम तो तीनों पढ़ी रहे हैं, और तुम भी बाद में खाना वाना बना के फिर एक साथ फिर सारे पढ़ने बैठेंगे हम लोग। मैं
हाँ नंदन नहीं कह रही, अब मैं बड़ी हो गई, अब सड़ाती नहीं डंडे डंडे खींचू अब मैं। और आप से तो भाई पूरी मगन है अपना लिखने में, राइटिंग में है, रीडिंग भी कर रहे हैं, अभी राइटिंग कर रही, बाद में रीडिंग करेगी और फिर लर्निंग करेगी। टेबल कितने तक लर्न हो गया आपके, इधर देख के बताओ। एट तक, एट थ्री तक, चलो बताइए। थ्री नाइन जा, बढ़िया टेबल याद करा भाई। थ्री का, एट का सुनाइए बेटा, एट तक याद है तो। एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटी एट, थ्री जा टू वन फोर, एट फोर जा थर्टी टू, एट फाइव जा फोर्टी, एट सिक्स जा फोर्टी एट, एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स, एट नाइन जा एट एट जा एट एट जा सिक्सटी फोर, एट एट नाइन जा सेवेंटी टू, एट जैन जा एट टेन एट्टी, एट टेन जा एट्टी। वेरी गुड, एक बार बोली बीच में। गुड मिले, गलत नहीं करती है सारे, ठीक ठीक करे भाई, और गुड मिले ऐसे तो। चलो खैर पढ़ते रहो, तेरे पापा इधर नीचे बैठ कर पढ़ेगा और रखी किताब। हाँ धीरे धीरे खींच लो, हाँ डंडे खींच लो, ऐसे ऐसे सही रहेंगे। मैं भी नंदिनी को पढ़ने का इतना शौक है कि कभी भी सही ये नहीं कहना पड़ता आज नंदिनी पढ़ ले। जैसे हमें से कोई भी किताब उठाएगा तुरंत अपनी किताब उठा कर बैठ जाएगी, और बाकी हमें भी कहती रहे पापा जी मुझे भी पढ़ा दो, मम्मी मुझे भी पढ़ा दो, आरुषि मुझे भी पढ़ा दो, कहती रहे, मतलब दूसरों को खुद ही कह के काम ले कि मुझे लिखना सिखा दो पढ़ना सिखा दो। कोई नहीं काम देता आपको, ये शंभू का हो जा। ठीक है चला गया रहा मोटर से, बाथरूम से आवाज़ आ रही पीछे से, मोटर चला दो, पानी खत्म हो गया। फ्रेंड्स किचन में आज लंच में जो है ना दाल बन रही, काहे की दाल बना रहे आज, चने चने की दाल बना रहे, तड़का तैयार है देखो, जीरा और प्याज तो पहले से डाल दिए थे, टमाटर भी डाल दिया, तड़का तो तैयार हो ही रहा। और इस तरफ चर्चा कर दिया, यहाँ पर दाल उबाल दी, कल से भिगा कर रख रखी थी सुबह से चने की दाल, तो मसाले वसाले ऐसे तड़के में पड़ रहे हैं भाई। हरा धनिया तो बच रहा होगा, हरा धनिया नहीं खत्म हो गया है, खत्म हो गया दाल में नहीं तो बहुत टेस्टी लगे, हरा धनिया में बहुत स्वाद आया दाल में। और इधर आटा गूंथ कर रख दिया प्रीति ने, थोड़ा गीला सा हो जाएगा, चिकना हो जाएगा ये, और दाल बन जाए उसके बाद बनेगी रोटी। चावल पानी बनाने के शाम को खिचड़ी बनानी, हाँ तो दोपहर में फिर लंबी रोटी और दाल ही खाओगे आज। तो तड़का लगभग तैयार है और दाल डालनी है बस उसमें, ऐसा हुआ तो धनिया ले आऊँगा थोड़ा सा बाजार जाके, शाम का टाइम लेगी कई बार मैंने बनाई दिया था, लेकिन पानी पानी ज़्यादा गिर गया था मेरे को, तो दाल अलग पानी अलग रह गया था, नहीं ऐसे नहीं होने की जब ये पानी कम ही डालना पड़े, हाँ। मैंने डाल दिया था उसमें पानी ज़्यादा हो गया था, दाल को डालने अलग पानी अलग हो गया था। दाल तो होगी लगभग तैयार हमारी, थोड़ा सा पका देंगे इसे और रोटी सीख जा, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं इधर, खेल रहे, क्या कर रहे भाई छुप रहे इसके पीछे चार भाई है, ओह पढ़ रहे ना, थक लिए सारे, प्रीति वहाँ पढ़ रही थी, मैं वहाँ पढ़ रहा था, और उसी नंदिनी इधर पढ़ रही थी, सबकी किताबें रखी इंतजार कर रही, तो हम दो लोग इधर आ गए, प्रीति खाना बना रही और मैं देख रहा है सबको क्या कर रहे, बच्चे छुप रहे देखो कहाँ पे, आ जाओ निकल के बाहर। बढ़िया बढ़िया, खत्ता लगाओगे और इसमें हाँ जी, मैं तो ठीक हूँ भाई, नंदिनी कैसी है और कहाँ छुप रही, मुझे तो दिख रही है। ऐसे फ़ोन पे कहती है अपने बड़े पापा से, आप कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया। फ्रेंड्स खाना तैयार है, देखो मैं तो खाऊंगा दाल से, और उसके बच्चे खाना दही से, सारे खा लिए, दही इतनी है यार, दही तो बतेरी है। और नंदिनी देखो नाराज़ हो रही, पहले तो इसे मनाओ, मुझे लगा यार उसी ने कुछ कह दिया, ऐसे और उसी बेटा हाथ धोके हो तो आ जाओ, देखियो नंदिनी भी नाराज है, बात बताओ क्या होया, और उसी ने कुछ कहा,
अरे भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ बैठो आप, चलो खाना खिलाऊंगा, बैठो भाई शाबाश, खासी बैठो आप भी, दही है, नमक है, रोटी है, दाल से खाना चाहो दाल से खाओ, दही से खाना चाहो तो दही से खाओ, दूध जो हम लोग लेके आते हैं ना उसमें से मलाई उतार उतार के प्रीति ने मलाई इकट्ठा कर रखी थी और इसमें कल जामुन लगा दिया था तो जमा ली थी, उसमें सुबह बता रही सुबह जामुन लगा लिया था इसमें, दोपहर तक ये जम भी गई और इसे मत लगे, इससे मदानी हमारे पास वो तो है नहीं, लकड़ी वाली रही जिससे घर भी लोया जाए, या तो ये है इसी से भी लोगी, तो इसमें मक्खन आ जाएगा, मक्खन अलग हो जाएगा, मट्ठा अलग हो जाएगा, मक्खन बच्चों के काम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जो दही मथने बैठी थी प्रीति मथ गई है बढ़िया तरह से, और घी भी आ गया इसमें, आ गया इसमें मक्खन, मक्खन आ गया, ये आ गया इसमें मक्खन, और मक्खन को निकाल के इसमें से मट्ठे से अलग कर लेंगे, वैसा घी तो खाते नहीं, चलो मक्खन तो खा ही लेंगे। तो फ्रेंड्स 3 दिन के दूध की जब मलाई इकट्ठी की थी ना, एक टेबल मक्खन निकल गया, इतना मक्खन तो निकल गया, बच्चों के 2-3 दिन काम आ जाएगा, ये फिर भी खा नहीं पाऊंगे इतना, तो थोड़ा बहुत खाऊंगे, बाकी तो हमें बाकी तो आपको ये गर्म करके और घी बनाना पड़ेगा, इसका मेहनत तो है थोड़ी सी पर फायदा तो है, घर जैसा मक्खन हो गया मेहनत करके। लो हाथ दुख जाएंगे, मैं पकड़ लूँ चल्ला, तो भाई कुछ राशन सब्जी लेने चले हैं और बच्चे जरूर साथ में चले हैं, साथ चॉकलेट लेना, चलो ठीक है चॉकलेट भी दिवा के लाऊंगा, किसने चॉकलेट लेके जावे, शायद इसीलिए बुखार हुआ उसे, अच्छा क्या आइसक्रीम, चलो आ जाओ, हमारी बाइक एक बैग ले लिया हमने, कुछ बैग उसमें ही है, बाकी सामान देखेंगे इसमें आ गया तो ठीक है। हाँ ठीक है सामान लेकर आ गया, बच्चों को भी साथ में लेने गया था, दोनों जिद करें साथ चलने की, अब उसकी उन्होंने मिली थोड़ा बाहर की तरफ घूमना हो जाए, कभी घर में रहना सारे दिन यहाँ पे, वैसे एक काम तो तुमने सही करा, हाँ यो साइड वाला बैग दे दिया था, अगर पिट्ठू बैग ले जाता ना तो दोनों बच्चों को बाइक पर बैठा नहीं पाऊँ था, साइड वाले बैग में सामान भर के ऐसे कंधे पर टांग लिया और बाइक चलाता रहा ऐसे दोनों हाथ से, तो बच्चे एक आगे एक पीछे बैठे रहे, सामान आसानी से आ गया, थल्ले पकड़ो सामान देखो क्या क्या लेगा यार, तो अलग से यही थी सब्जियाँ सबकी, जो जो बताया था तुमने, अगली सब्जी क्या क्या है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, तुरई है और आलू है इसमें नीचे, ये तो हो गया आपकी सब्जियाँ, इतनी तो बताई थी, और तो कुछ नहीं है, और देखो ये बताया था बिस्किट ख़त्म से होने को आगे केक रह गए, एक पैकेट रह गया था बिस्किट का बस, यू बेकरी वाला तो एक तो लाया मैं कोकोनट वाला बिस्किट, कोकोनट वाला भी बढ़िया लगा, और एक ये गुड्डे जैसा ही है, ये गुड्डे का कहा था ना तुमने, एक ये लिया, और जीरा का था, सर्फ एक्सल सर्फ लिया कपड़े धोने के लिए, तो ये तो हो गया किराना स्टोर वाला सामान, कोई ना कोई कभी कभी मिलने वाला आ जाता, थोड़ी बहुत मिठाई चाहे, इधर का कल्चर है उसी हिसाब से चल रहा है, जब कोई मेहमान आवे तो सबसे पहले मीठा और पानी दिया जावे उन्हें, देखो ये तो लाया मैं आपके लिए, बाहर तो जाती नहीं खाने के लिए, कम से कम यही ला के दे तू मिठाई, ठंडे रसगुल्ले लाया, 4 प्राणी हैं घर में, हम बच्चे कहाँ छुप गए, छुपम छुपाई खेल रहे, तो 4 ले आया, 6 ना कह रहे हैं इधर इसे ठंडे रसगुल्ले को, बंगाली रसगुल्ला, और बाकी मेहमान को ही आ जा, मिल्क केक वाली मिठाई लाया उनके लिए, पहले लाया था जिस दिन हम घर से आए थे ना, आधे किलो लाया था, मेहमान तो कोई आया नहीं उस दिन से, हम ही खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खत्म हो गया, हाँ नहीं तो बाकी हमने ही खा लिया, बाकी इसके अलावा बच्चों के फल भी लाया, देखो बच्चे तो छुप रहे, और बच्चों को बताइए ना कि उनके लिए मैं आम भी लाया, आम संतरे और केले, आम पहले छुपा कर रख दो, नहीं तो केले नहीं खाने के, पहले उन्हें केले खिलाने, और 2-3 दिन से आम खा भी रहे लगातार, कई फ्रिज में भी ऐसी जगह रखी हो जो बच्चों को दिखाई ना दे, पीछे से रख दियो पीछे से, संतरा ये कोल्ड स्टोर वाला है, छिलका चिपक रहा उस पर संतरे में, बढ़िया से नहीं छिला, हालांकि मीठा लगा, बाकी मैं चाह रहा था कि पपीता ले आऊँ बच्चों के लिए, लेकिन पपीता हरा सा आ रहा, 2-3 जगह देखा, मंडी का हिसाब हो रहा है, आज पूरी मंडी में हरा सा ही आया होगा, तो सब सेलर के पास पपीता हरा सा ही था, या तो दूसरी में केला नहीं ला, ये आम नहीं लाना था आज हमें, पपीता ही लाना था, चलो पहले केला खुआ के ना तब आम खुआया जाएगा, और कल या परसों तब लाएंगे हम पपीता बच्चों के लिए, ओके फ्रिज में रख दो क्योंकि बच्चे फिर
थोड़ा पीछे से वो रख दियो, एक आम हटा कर खिसका दो पीछे। बस हाल तो फेवरेट मक्खन है उनका। सही है, थोड़ी सी दाल बची रही, खिचड़ी बना लियो, कल कल बना लियो तुरई, और कल फिर शाम को ले आऊंगे सब्जी कुछ। शाम को फिर खिचड़ी बनानी पड़ेगी। नंदनी तैयारी में ही खुश है, रोटी नहीं खाती इतनी बढ़िया जितनी है, छुके छुके हुए चावल, पीले चावल तैयारी खाती है। और बताओ ऐसा कोई सामान तो नहीं है तुमने बताया? और मेरे हाथ में रहा एक पन्नी और थी, पता उसमें क्या लाया? इसमें लाया चने, चने दिखाई दे गए मुझे एक जगह, तो मैंने सोचा कभी कभी कमरे में आते जाते हम सोचे कुछ खा लें, तो ऐसी चीज़ भी रखी रहनी चाहिए घर में जिसमें कभी कदा पंखा मार लें आते जाते। चने अच्छी चीज है, चाय के साथ बहुत अच्छे लगे। चने ले आ, थोड़े से इलायची दाना ले आए, मीठे वाले दाने।